नमस्कार दोस्तों, NR स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, तो आज 41वें क्वेश्चन से लेकर 63 क्वेश्चन तक करेंगे, लगभग 23 क्वेश्चन है ना। तो जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, बताओ भाई। देखो भाई, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे आत्मसातिकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चाहे आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि रीट लेवल 2 के अंदर भी आ रखा है और इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्कीमा का प्रयोग कर रहे हो और बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु लिए कर रहे हो, यानी आप विश्लेषण कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको आत्मसातिकरण करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। देखिएगा, क्रियात्मक अवस्था भी है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी है, संकेतात्मक भी है, परंतु एक्रिलिन अवस्था नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलो भाई आगे चलते हैं। जेरोम ब्रूनर के अनुसार प्रतिनिधित्व में अनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है, इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। कौन सी संग्रहित में किया जाता है, बताओ भाई। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। जेरोम ब्रूनर के अनुसार प्रतिनिधित्व में अनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है, इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। ऐतिहासिक, अलंकारिक, इनएक्टिव, प्रतीकात्मक। अरे भाई, अलंकारिक किया जाता है ना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम बड़े तगड़े हैं, बताओ तो उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। देखो भाई, ब्रूनर के द्वारा इंद्रिय गतिकाल का वर्णन नहीं किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है भाई इंद्रिय गतिकाल। चलेगा, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहली अवस्था होती है क्रियात्मक प्रतिनिधान, यानी 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था को क्रियात्मक प्रतिनिधान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक प्रतिनिधान। प्रतिमा प्रतिनिधान 1 से 6 वर्ष। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान 7 वर्ष। क्रियात्मक 0 से 1, प्रतिमा प्रतिनिधान 1 से 6, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किसने कहा भाई? विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये विचार किसका था? प्याजे, असुबेल, ब्रूनर, गेने। ये सब ब्रूनर का था, याद रखना। क्या है, वापस दोबारा दोहराते हैं कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, इस विचार ये विचार ब्रूनर के थे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। विकास किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये दृष्टिकोण प्रस्तावित किया प्याजे, ब्रूनर, स्किनर, असुबे। ये भी ब्रूनर का था भाई। चलो आगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है वे, ये विकास कौन सा है? भाषा, मानसिक, संवेगात्मक या शारीरिक? नाम से स्पष्ट है, बता दो। अरे भाई, संवेगात्मक ही होगा। देखिएगा, संवेगात्मक ज्ञान का द्वार है, किसी वस्तु का प्रारंभिक परिचय प्रदान करती। चलेगा, आगे बात करता हूँ। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म संदेह महसूस होता है? प्री स्कूल, स्कूल आयु, शुरुआती बाल्यकाल, किशोरा अवस्था। प्री स्कूल के अंदर है ना, जब 3 से 4 साल का होता है ना, उस समय। मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया या देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा स्वभाव होता है, किसका, बताओ भाई? अंतर्वैयक्तिक या प्रकृतिवादी या स्थानिक? अंतर्वैयक्तिक
करेक्ट आंसर होगा। चलेगा आगे बात करते हैं, छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। ये लो, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना जाता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। सभी को पता है भाई, अरे भाई संवेदनशील शेष अवस्था ही होती है संवेदनशील, बिल्कुल संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण, कठोर। अरे भाई ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन एक होगा, सहयोगात्मक है ना। चलो भाई, किसी व्यक्ति के सावेगिक संप्रेषण, सौ समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नांकित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक एवं सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या गतिक विकास? इसका करेक्ट आंसर होगा जाएगा भाई आपके सावेगिक या सामाजिक विकास। चलिए आगे बात करते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता क्या है भाई? समूह का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना या उपयुक्त सभी? मारो टोरा, उपयुक्त सभी है ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है। किशोरावस्था में जटिल सामाजिकरण, नेतृत्व, सामाजिक चेतना, परिपक्वता होती है, मैत्री भावना भी होती है, समूह का निर्माण भी करते हैं, विद्रोह की भावना भी पाई जाती है, बात बात पर लड़ने आ जाते हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? वातावरण संबंधी कारक होना चाहिए, संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव या शारीरिक ढांचा? सीधा सा आंसर दिखना चाहिए भाई, वातावरण से संबंधित पूछ रहा है तो वातावरण में क्या संवेग आता है? खुद का ही है संवेग, बुद्धि खुद की है, शारीरिक ढांचे खुद का है। यहाँ पर साथी समूह क्या है? वातावरण में आते हैं। क्या अच्छा साथी समूह होगा तो बच्चा सुधरेगा, वरना बिगड़ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल देखो, किशोरावस्था पर वातावरण कारकों में सर्वाधिक साथी समूह का परिवार, सिनेमा, खेल का मैदान, लिंग का प्रभाव। वाइनलैंड ने सामाजिक परिपक्वता मापनी का निर्माण किया, वाइनलैंड ने, ठीक है, सामाजिक परिपक्वता मापनी का निर्माण किया। चलिए आगे बात करते हैं, ब्लाइंड बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है? अस्थमा के बच्चे को सामाजिक विकास प्रभावित कर सकता है, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत? अरे साहब, किसको कर सकता है प्रभावित? अस्थमा को नहीं करेगा, एलर्जी को नहीं करेगा, खाने की आदत को नहीं करेगा, पुरानी बीमारी को कर सकता है, ठीक है, पुरानी बीमारी वापस जाग सकती है, बिल्कुल। चलेगा, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद, सीधा रचनावाद के कौन थे भाई जनक, सीधा बताओ आंसर इसका। अरे भाई रचनावाद के जनक वाइगोत्स्की। लो, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनो सामाजिक अवस्था है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, पहल बनाम अपराध बोध। जब किशोरावस्था में आता है तो अपनी पहचान बनाने लग जाता है, तो पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, करेक्ट आंसर। आगे चलो, इरिक इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष या स्वायत्तता बनाम ग्लानि, अंतरंगता बनाम अलगा। चलो भाई, करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सेकंड होगा भाई, पहचान बनाम भूमिका सभ्रम, है ना। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवस्था बताओ भाई। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, किशोर अवस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक वाली अवस्था, मध्य वाली अवस्था, बताओ भाई। प्रारंभिक वाली अवस्था। भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जार्गन अवधि इस दौरान होती, किस दौरान होती है? नौ महीने से एक वर्ष,
जन्म से 3 महीने, जन्म से या 3 से 6 महीने या 6 से 9 महीने, बताओ भाई। देखिएगा बात की जाए, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 6 से 9 महीने ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारक, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्दत्त और संस्कृति प्रभावित। देखो भाई भाषा द्वारा प्रभावित होती है सोचने की प्रक्रिया, यानी भाषा निर्धारित, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली अर्जन प्रविधि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, बताओ भाई। भाषा का तो नाम आते नॉम चॉम्स्की, ठीक है, बताओ भाई। आज का अंतिम क्वेश्चन, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अरे भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है गामक कौशल, ठीक है, लिखना पढ़ना वगैरह, खेलना कूदना, ये सारे गामक कौशल में आते हैं, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बिल्कुल आपको कैसे लगी है आज की क्लास, तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।